तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल है? फिलहाल लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि बीटा का ऑफिशियली लॉन्च आ चुका है। अब इस वीडियो में मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताऊंगा कि तुमको कैसे बीटा डाउनलोड करना है। स्टिल अगर इसको देखने है तो कुछ इशू होता है तो मुझे कमेंट करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा। जो भी बीटा डाउनलोड के रिगार्डिंग तुमको इशू है, तो फिलहाल बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको सिंपली जाना है प्ले स्टोर अपना ओपन करना है और उसमें सर्च करना है स्टम्बल गाइज बीटा। अब जैसे ही सर्च करोगे तो स्टम्बल गाइज सामने आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ही। सिंपली यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आता है या अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है आपके फोन में। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो डेवलपर ऑप्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे एक ऑप्शन तुमको आएगा, ऑप्शन ज्वाइन करने का बीटा का। तो यहाँ से तुमको बीटा ज्वाइन कर लेना है। अब थोड़ा बैक जाना है और तुमको सिंपली माई एप्स एंड गेम में जाना है और वहाँ पे देखना है कि एक स्टम्बल गाइज का तुम्हारा एक अपडेट आया होगा और सिंपली यहाँ से तुमको अपडेट कर लेना है। और इस ये प्रोसेस तुम पूरा फॉलो करोगे, तुम्हारा 0.30 का बीटा वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या करना है। सिंपली अपना प्ले स्टोर खोलना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है स्टम्बल गाइज बीटा और वहाँ से ज्वाइन कर लेना है बीटा प्रोग्राम और फिर माई एप्स एंड गेम में जाके अपडेट कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत ही जल्दी ये गेम प्ले की वीडियो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर मैं डालने वाला हूँ।